हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूँ आपका पेपर हैकर चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ BA सेकेंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर है, और फर्स्ट पेपर का प्रेजेंट इन एब्सेंस, जिसके राइटर हैं जॉन डॉनी। ठीक है, तो ये जो स्टेंजा है, ये जो चैप्टर है, इसमें जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है कि वो अपनी प्रेमिका से, जो उसकी वाइफ है, उससे कुछ समय के लिए दूर हो गई है। वो उससे शारीरिक रूप से दूर हुई है, लेकिन वो उसके मन में हर समय बसी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सेंस हियर दो माई प्रोटेस्टेशन। प्रोटेस्टेशन मीन्स होता है विरोध। एब्सेंस, गैर मौजूदगी। दो हियर दो माई प्रोटेस्टेशन, तुम मेरे विरोध को सुनो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ, जो तुम्हारे शक्ति, दूरी और लंबाई के खिलाफ हो। डू वॉट दो कैंस्ट फॉर एल्टरेशन, करो जो कुछ भी तुम इसे रोकने के लिए कर सकते हो। गैर मौजूदगी के लिए बात कही जा रही है पोएट के मन में। फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, जो सच्चे हृदय होते हैं, सच्चे प्रेम के हृदय होते हैं। एब्सेंस डॉट ज्वाइन, गैर मौजूदगी उन्हें जोड़ती है। एंड टाइम डथ सेटल, और समय जो है उनका समझौता करा देता है। रेफरेंस पढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम प्रेजेंट इन एब्सेंस कंपोज्ड बाय जॉन डॉनी। ये पहला स्टेंजा है इस पोयम का, इसका नाम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, जिसको लिखा है, कंपोज किया है जॉन डॉनी ने। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट टेल्स अस, हमें बताता है, दैट इवन इफ द लवर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर सम टाइम, पोएट बताता है कि ये जो प्रेम है या जो प्रेमी है, वो भले ही चाहे एक दूसरे से थोड़े समय के लिए अलग हो जाते हैं, देयर लव रिमेन्स अनइफेक्टेड, लेकिन उनका जो प्रेम है वो अप्रभावित रहता है, अनइफेक्टेड रहता है। रेदर इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, बल्कि यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एंड मोर लास्टिंग देन बिफोर, और पहले से ज्यादा अधिक रुकने वाला हो जाता है। सो द लवर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सच सेपरेशन एंड टेक इट एज ए सोर्स ऑफ परमानेंस ऑफ लव। इसीलिए लवर्स प्रेम को या प्रेमियों को सेपरेशन यानी कि दूर होने से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एंड टेक इट, और इसे लेना चाहिए एज ए सोर्स ऑफ परमानेंस ऑफ लव, एक स्थायित्व तो होता है जो प्रेम का, उसके स्रोत के रूप में। एक्सप्लेनेशन, द पोयम इज एन एड्रेस टू द स्पिरिट ऑफ एब्सेंस। जो पोएट है वो बता रहा है स्पिरिट ऑफ एब्सेंस, गैर मौजूदगी के तत्व को। एंड दस, और फिर प्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लवर्स लाइफ, और फिर रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, पहलू ऑफ द लवर्स लाइफ, प्रेम के जिंदगी का, प्रेमियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। द लवर्स लूज देयर पेशेंस, जो प्रेम है, जो प्रेमी है, वो अपना पेशेंस खो देते हैं। इफ दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वे एक दूसरे से
अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इवन फॉर सम टाइम, जबकि बहुत ही कम समय के लिए, बट द पोएट, लेकिन जो पोएट है कंसोल्स, उन्हें सांत्वना देता है, दिलासा देता है देम बाय टेलिंग दैट, यह बताकर कि इन दिस कंडीशन दे हैव नथिंग टू वरी, इस स्थिति में उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिस पीरियड ऑफ सेपरेशन कैन नॉट एंड देयर लव, यह जो दूर होने का समय है, काल है, वो उनके प्रेम का अंत नहीं कर सकता। रेदर फिर भी इट इन्फ्लेम्स इट ऑल मोर, जबकि ये अधिक से अधिक जो इन्फ्लेम्स होती हैं, आग की लपटें होती हैं, उनकी तरह जलता रहता है। लव इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ टाइम एंड प्लेस, प्रेम जो है बियॉन्ड कंट्रोल, नियंत्रण के परे है, किसके समय और किसी स्थान के, प्रेम जो है किसी भी समय या किसी भी स्थान के वश में नहीं है, एंड इट कैन नॉट एंड, और यह ना ही समाप्त कर सकता है, और बी चेंज, और ना ही बदल सकता है, बाय द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द लवर्स, भले ही चाहे प्रेमी के जीवन में कोई भी समस्या, कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। द हर्ट ऑफ द ट्रू लवर्स, जो सच्चे प्रेमियों का जो हृदय होता है, इज इनसेपरेबल, अलगाव से दूर नहीं होता है, एंड सेपरेशन मेक्स दिस अटैचमेंट स्ट्रोंगर एंड एवर लास्टिंग, और जो दूरी होती है वो उनको इस अटैचमेंट को, इस लगाव को और ज़्यादा मजबूत बनाती है, पहले से ज़्यादा। आज हमने ये पहला स्टेंजा कर लिया है इसका, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।